आज के इस वीडियो में वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं ये जानेंगे। सब वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने का तरीका सेम ही होता है। मेरे पास एसटीसी का वाईफाई है, इसीलिए मैं एसटीसी के वाईफाई के जरिए से बताऊंगा कि वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने का मकसद बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका वाईफाई कोई और भी चला रहे हैं बहुत सारे लोग, या आपका वाईफाई स्लो चल रहा है, या फिर आपका वाईफाई इंटरनेट स्पीड सही से नहीं दे पा रहा, तो उस समय वाईफाई के बॉक्स को रीसेट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको आपके वाईफाई में देखना, कहीं पे एक ऐसा होल होगा रीसेट करके। ये हर वाईफाई के बॉक्स के अंदर रहता है, और किसी किसी वाईफाई के बॉक्स के अंदर यहाँ पे होता है, यहाँ पे नीचे, और किसी किसी वाईफाई के बॉक्स में इस तरफ होता है। तो एसटीसी के वाईफाई के बॉक्स में लेफ्ट साइड में इस तरफ है। तो मैं देखिए, अभी तो वाईफाई हमारा परफेक्ट चल रहा है, तो ये पिन को हमको यहाँ पे अंदर डालना है। अंदर डालने के बाद कुछ सेकेंड, एटलीस्ट 3 सेकंड या 4 सेकंड के लिए आपको दबा के पकड़ लेना है अंदर डाल के। देखिए मैं डाल रहा हूँ, अभी आपको आवाज़ आई होगी टक करके, तो उस वही आवाज़ के साथ आपको 3 या 4 सेकंड इसके अंदर दबा के पकड़ लेना है। ये देखिए, यहाँ से हमारी जो लाइट्स गायब हो गई, तो हमको ये पिन निकाल लेनी है। अभी हमारा वाईफाई रीसेट हो रहा है, तो इसमें एटलीस्ट 30 सेकंड या 1 मिनट लग सकता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। ये लाइट्स ऑटोमेटिक फिर से ब्लिंक करने लगेगी, काम करने लगेगी, तब आप अपने मोबाइल से इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। देखिए, हमारे वाईफाई के लाइट फिर से काम करने लग गए, तो अब हमको यहाँ पे हमारे मोबाइल पे चले जाना है। अगर आप एक लैपटॉप चलाते हैं तो लैपटॉप से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमको वाईफाई की सेटिंग में आ जाना है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है होम ब्रॉडबैंड, यही हमारा वाईफाई है, तो हमको इस पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब यहाँ पे आपको पासवर्ड क्या लगाएंगे, जैसे कि हमने अभी तो वाईफाई रीसेट कर दिया, हमारा पुराना पासवर्ड भी है, रीसेट हो चुका है, तो अब हमको यहाँ पे पासवर्ड लगाना है वाईफाई के पीछे। यहाँ पे देखिए लिखा होगा वोलन की करके, ये देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है वोलन की, जो 4QLLMPH है, ये आपका वाईफाई का पासवर्ड है, तो हमको यहाँ पे इंटर कर लेना है वही पासवर्ड को। और आपको ध्यान रखना है कि जो कैपिटल है उसको कैपिटल ही इंटर करना है, और जो स्मॉल लेटर है उसको स्मॉल लेटर ही इंटर करना है। देखिए, मेरा वाईफाई का पासवर्ड जो है मैंने यहाँ पे इंटर कर लिया है, और यहाँ पे मैं कनेक्ट पे ओके कर दूंगा। ये देखिए, वाईफाई मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब ये तो हो गया हम वाईफाई को कैसे कनेक्ट करें। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि हम वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। ये वाईफाई पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको मैनेज रूटर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस पर ओके कर सकते हैं, या फिर ये नंबर आप याद रखिए 192.168.1.1, तो इसको हम इंटरनेट पे भी मार सकते हैं। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँगा। जैसे कि हमने कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, यहाँ से मैंने एक ब्राउज़र ले लिया, यहाँ पे हमको टाइप करना है। अब यहाँ पे हमको वो नंबर टाइप कर देना है जो कि हमने वहाँ पे वाईफाई के सेटिंग में देखा था, और उसके अलावा वो सेम नंबर आपको आपके वाईफाई के बॉक्स के ऊपर भी देखने को मिलेगा। आईपी एड्रेस वेब आईपी करके लिखा हुआ है, यही नंबर आपको इंटरनेट कोई भी एक इंटरनेट का ब्राउज़र ओपन करके ऊपर सर्च कर देना है, वो फिर यहाँ पे गो पे ओके कर देंगे हम। एसटीसी का होम पेज खुल चुका है। यहाँ से आप पहले हमको यहाँ पे हमारा पासवर्ड लगा लेना है। यूज़र नेम और पासवर्ड आपने लगाया नहीं होगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट आता है कंपनी की तरफ से। आपको ऊपर भी एडमिन लिखना है और नीचे भी एडमिन ही लिखना है, और एडमिन आप कुछ इस तरीके से लिखे, जो ए है उसको स्मॉल लेटर लिखना है आपको, और यहाँ पे एडमिन लिख देना है, और सेम पासवर्ड भी आपको वही लिखना है एडमिन। तो हमको यहाँ से लॉगिन पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपने जो ये पासवर्ड लगाया है आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो मतलब जो हमने एडमिन करके खोला है इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ से हम मॉडिफाई लेटर पे ओके कर देंगे। अगर आप चाहें तो मॉडिफाई अभी भी कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब आप वो पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, कोई भी आपका नाम लगा सकते हैं, कोई नंबर लगा सकते हैं, तो कोई इसको खोल नहीं पाएगा। तो मैं अभी यहाँ से मॉडिफाई लेटर पे ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे आपको बताएगा कि कितने आपके वाईफाई से कितने मोबाइल कनेक्टेड है, यहाँ पे आपको दिखा देगा। ये मेरा एक ही मोबाइल कनेक्टेड है और कोई मोबाइल यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, तो मेरे को अब इसका वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है। तो मैं यहाँ से सिंपल सा होम पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन है, आपको 3 ऑप्शन में से यहाँ पे जो सेंट्रल का ऑप्शन है इसको ओके करना है। सेटअप वोलन करके लिखा हुआ है, ये आपके वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने का जरिया यहीं से होगा, तो हमको इस पर ओके कर देना है।
अब यहाँ पे देखिए आपका जो होम ब्रॉडबैंड करके आ रहा था, यहाँ पे आप आपका वाईफाई का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से मैं अपने वाईफाई का नाम लगा देता हूँ और नीचे मैं अपने वाईफाई का पासवर्ड लगा सकता हूँ। यहाँ से आपको 8 कैरेक्टर पासवर्ड में लगाने हैं, कैपिटल स्मॉल लेटर और डिजिट लगा के। देखिए मैंने नाम और पासवर्ड दोनों चेंज कर लिए यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे को इसको यहाँ से सेफ पे ओके कर देना है। जैसा मैं सेफ पे ओके करूँगा, देखिए मेरा ऊपर से वाईफाई चला गया। फिर से मैं वाईफाई पे आ जाता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा वाईफाई का नाम भी आ चुका है। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा के देख लेता हूँ एक बार। मैंने अपना पासवर्ड लगा लिया, अब यहाँ से कनेक्ट पे ओके करके देखते हैं। देखिए मेरा वाईफाई का पासवर्ड भी चेंज हो चुका है और मेरा वाईफाई का नाम भी चेंज हो चुका है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।